माई चैनल रुद्राज अग्रवाल फैमिली। सो कैसे हैं आप लोग? आई होप आप अच्छे होंगे। मैं भी बहुत अच्छी हूँ। वेलकम बैक टू माई न्यू व्लॉग। और आप सभी को, और जैसा कि आप सबको पता है, आज नवरात्रों का पहला दिन है, तो आप सभी को मेरी तरफ से, मेरी फैमिली की तरफ से हैप्पी नवरात्रे। और बस हम, मैं भी सर धो के आई थी, मैं सूख गया है वैसे तो, ऑलमोस्ट सर सूख गया है मेरा। बस अब हम पूजा करेंगे, सब नहाने गए हैं और मैं अभी पूजा की तैयारी करूंगी, तो मैं आपको दिखाऊंगी कि मैं कैसे करती हूँ। और बस डुबू स्कूल गया है और मम्मी और मेरा फास्ट है, पापा और राजीव का फास्ट नहीं है, तो उनके लिए खाना बनेगा। और आज पूरे दिन का मैं व्लॉग दिखाऊंगी आपको कि गाइस, सो आज मैं जो व्रत में खाना बनाऊंगी वो स्पेशल है, और आप व्लॉग में बने रहना, व्लॉग पूरा देखना, स्किप बिल्कुल मत करना। और चलिए फिर, चलो चलते हैं, अभी पूजा करते हैं। पहले पूजा करते हैं सुबह मॉर्निंग की, तो फिर उसके बाद। गाइस, तो मैंने गैस पे उपले रख दिए हैं और ये अभी हो रहे हैं, तो ये तोला है, तो अभी इसमें रख के फिर हम पूजा करेंगे। तो मैं आपको दिखाती हूँ हम कैसे करेंगे पूजा। पहले हम करते थे कोयले के ऊपर, अब हम करेंगे उपले के ऊपर। सो गाइस, अब मैं तैयारी कर रही हूँ पूजा की, और यहाँ पे मैंने बताशों में लौंग लगानी स्टार्ट कर दी है, और सबके नाम की दो दो बताशे होते हैं, माता रानी की मूर्ति बना दी है जो लाल कपड़े से अच्छे से ढकी हुई है, और जल है और दिया जलाया जाएगा, और दिया जलाया जाएगा। फिर मैंने पानी का ग्लास भी रख दिया है जल के लिए, और मैंने ऊपर नीचे धूपबत्ती भी लगा दी है, अगरबत्ती भी लगा दी है, और अगरबत्ती मैं बना रही हूँ, और मैंने रोली में थोड़ा पानी डाला है जिससे रोली अच्छे से सही हो जाए। और देखिए मैं धूपबत्ती बना रही हूँ, ये मैंने लगा दी है, और अगरबत्ती भी मैंने ऊपर लगा दी है, और मैं थोड़ा सा पानी डाल के इसमें थोड़ा सही कर रही हूँ रंगोली को, और सब सामान मैंने लगा दिया। तो गाइस, माता रानी की मैंने मूर्ति लगा दी है, और मैंने देखिए बताशों में भी लौंग लगा दी अच्छे से, और ये देखिए पूरी तैयारी कर चुकी हूँ मैं यहाँ पे, और ये घंटे और अपना कपूर ये सब मैं रख चुकी हूँ, बस अब पूजा करेंगे। सो गाइस, मम्मी और मेरी पूजा हो चुकी है, मैं आप किचन में आई हूँ, और छोटी मैंने बड़ी लाइट चलाई है क्योंकि छोटी लाइट में थोड़ा दिख नहीं रहा था, तो इस वजह से। बस अब मैं राजीव का नाश्ता बना रही हूँ क्योंकि उनको लेट हो रहा है बहुत ज़्यादा, तो वो नाश्ता करके जाएंगे, और मैं आज बना रही हूँ पराठे उनके लिए, पराठे बना रही हूँ उनके लिए। मैं डुगू स्कूल चला गया था, डुगू के लिए मैंने पराठा बनाया था पनीर का, तो वो स्कूल चला गया क्योंकि उसका 9 बजे का स्कूल है, तो उसको लेट हो रहा था। तो गाइस, डुगू भी स्कूल से आ गया है, मैं उसे लेने गई थी, और बस अब उसके कपड़े वपड़े उतार के, उसके चेंज करके फिर मैं उसको खाना खिलाऊंगी। ये देखिए कितनी शैतानी करता है, ये बहुत ज़्यादा शैतानी करता है, कपड़े उतारने में नखरे होते हैं इनके महाराज के। बस अब इसको मैं खाना खिलाऊंगी, पहले मैं इसको कपड़े पहनाऊंगी, नहीं तो ये भाग जाता है बार बार छत पे, तो पहले मैं इसको, ये देखिए कैसे भाग रहा है, हाथ छुड़ा के भागता है ये बिल्कुल। मैं कबर्ड में से निकाली थी और ये बिल्कुल भी नहीं सुनता। देखिए कैंपा लेके आया है अपने लिए, ये कोल्ड ड्रिंक की बोतल लेके आया है छोटी, और चिप्स का पैकेट, तो इन्जॉय होके खाता है ये आराम से। तो चलिए, सो गाइस, मम्मी के लिए दोपहर के लिए फ़िलहाल चाय पापड़, साबुदाने के पापड़ हैं ये सब बनाया था मैंने, और बस मैंने सोचा मम्मी को ना
चाय वाय पिला के फिर मैं यह पूरा घर समेट लेती हूँ। सारा गंदा हो रहा था, डुगू उठ चुका है, डुगू ऊपर छत पे गया था, तो मैंने सोचा मैं कमरे की सफाई कर लेती हूँ। सारे कपड़े सूख गए थे, ऊपर छत से लेके आई थी मैं कपड़े। बस अब मैं कपड़ों की तय कर रही हूँ और सब कपड़ों को एक साथ फिर थोड़ा कमरा भी साफ़ करूँगी, बहुत गंदा हो रहा था। तो बस मैं सारा कमरा समेट रही थी एक साथ करके, क्योंकि डुगू बिल्कुल भी काम करने नहीं देता, एक साथ ही सब बिखेर देता है वो, और बहुत ज़्यादा एकदम परेशान कर देता है, कभी ये कपड़े फेंकना कभी वो कपड़े फेंकना। तो मैं चलती हूँ ऊपर छत पे। देखिए गाइस, डुगू छत आज की स्पेशल थाली है ये, देखिए आप। मैंने ये फलों की चाट बनाई है, दही है, पकौड़ी है, और ये मैंने आलू को तला है। जब मैंने तल लिए तो इसमें मैंने मसाला डाला है और बहुत ही टेस्टी बना है, बहुत ही मम्मी को बहुत पसंद आया। हे गाइस, कैसा लगा आज का व्लॉग? अगर व्लॉग अच्छा लगा तो प्लीज़ चैनल को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, शेयर कीजिए। बाय, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।